हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम क्रैकर। कॉन्फ्यू रखें कि आज के हमारे सेशन में सीडीपी के 685 क्वेश्चन की सीरीज को, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पार्ट 5 तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 200 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज के सेशन में 201 से इसको कॉन्टिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 201। क्या कक्षा शिक्षण के समय ही शिक्षक को पता लग जाता है कि शिक्षण को छात्र भली भांति समझ रहे हैं? पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा है हाँ, तीसरा है शायद ही कभी, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 201 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि, पहला ऑप्शन है छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, दूसरा है कोई छात्र इधर उधर ध्यान न दे, तीसरा ऑप्शन है पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, और चौथा है पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय भी पूरा हो जाए। तो 202 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछकर पाठ को आगे बढ़ाने की क्रिया यानी कि शिक्षण क्रिया में तब तक सहभागी नहीं बनेंगे जब तक कि शिक्षक उन्हें इसके लिए, पहला ऑप्शन है कहेगा नहीं, दूसरा है बाध्य नहीं करेगा, तीसरा है प्रेरित नहीं करेगा, और चौथा है आदत नहीं डालेगा। तो 203 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरित नहीं करेगा। अगला है, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा है जाकिर हुसैन, और चौथा है महात्मा गांधी। तो 204 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक की कथनी और करनी यानी कि जो वो बोले और जो वो करे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोलना है ठीक है उसको कथनी लिखा हुआ है, और जो करना है उसको करने लिखा हुआ है। तो ये बात जो है वो महात्मा गांधी जी ने कही थी। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक संप्रेषण कब लिखित या मौखिक संप्रेषण से भी अधिक कारगर होता है? पहला ऑप्शन है जब संदेश प्रेषक एवं संदेश प्राप्तकर्ता दोनों के बीच इतनी दूरी हो कि दोनों एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते हो, दूसरा ऑप्शन है जब वातावरण में बहुत शोर हो, तीसरा है जब क्रिया का प्रदर्शन आवश्यक हो, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 205 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तभी कारगर हो सकते हैं जब संदेश प्रेषक एवं संदेश प्राप्तकर्ता दोनों के बीच इतनी दूरी हो कि दोनों एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते हो, और जब वातावरण में बहुत शोर हो, और जब क्रिया का प्रदर्शन आवश्यक हो। क्वेश्चन नंबर 206, निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज्यादा बड़ी रुकावट है? पहला ऑप्शन है भौतिक अवरोध, दूसरा है अंतःक्रिया संबंधित अवरोध, तीसरा है संवेगात्मक अवरोध, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 206 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेगात्मक अवरोध। अगला है, सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि, पहला ऑप्शन है यह बहुत महंगा होता है, दूसरा है फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है, तीसरा है संदेश प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की जरूरत होती है, और चौथा है सफलता ज्यादातर प्रस्तुतकर्ता पर निर्भर करती है। तो 207 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है। अगला क्वेश्चन है, किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? पहला ऑप्शन है आदर्शवादी शिक्षण, दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण, तीसरा है प्रयोगात्मक शिक्षण, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 208 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावकारी शिक्षण फलन है, पहला ऑप्शन है अस्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का, दूसरा है उचित कथनानुशासन का, तीसरा है नियमित अध्ययन का, और चौथा है कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। तो 209 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, अस्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है, पहला ऑप्शन है बाहरी हस्तक्षेप, दूसरा है कक्षा में शोरगुल, तीसरा है शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, और चौथा है शिक्षण सामग्री का अभाव। तो 210 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति यानी कि शक। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? पहला ऑप्शन है एक अच्छा संप्रेषक सदैव एक अच्छा शिक्षक होता है, दूसरा ऑप्शन है एक अच्छा संप्रेषक भाषा पर पूर्ण अधिकार रखता है और स्विंग को ग्राहक की भाषा के अनुरूप ढाल लेता है, तीसरा ऑप्शन है एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा हास्य बोध रखता है, और चौथा ऑप्शन है हमारा एक अच्छा संप्रेषक सदैव व्यापक अध्ययन वाला होता है। तो 211 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक अच्छा संप्रेषक भाषा पर पूर्ण अधिकार रखता है और स्विंग को ग्राहक की भाषा के अनुरूप ढाल लेता है।
लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली में पहला ऑप्शन है छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने की पूरी स्वतंत्रता होती है। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षण करता है। तीसरा ऑप्शन है वह उस समय शिक्षण नहीं करता जब छात्र अधिगम के लिए तैयार नहीं होते। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है पाठ को रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए। तीसरा है छात्रों को अतिरिक्त क्रियाओं द्वारा पाठ में शामिल करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 213 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में छात्रों की तल्लीनता को भंग होने से बचाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि पहला ऑप्शन है वह छात्रों को पिकनिक पर ले जाए। दूसरा ऑप्शन है वह अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाता रहे। तीसरा है विषय को रोचक बनाने के लिए वह उचित शिक्षण सामग्रियों एवं तकनीकों का प्रयोग करता रहे। और चौथा है छात्रों से निरंतर प्रश्न पूछता रहे। तो 214 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषय को रोचक बनाने के लिए वह उचित शिक्षण सामग्रियों एवं तकनीकों का प्रयोग करता रहे। नेक्स्ट पे चलते हैं यदि आप शिक्षक की नौकरी पाने से पूर्व अपनी शिक्षण क्षमताओं का पता लगाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप पहला ऑप्शन है किसी कोचिंग सेंटर पर कुछ माह पढ़ाएं और छात्रों की परीक्षा परिणामों पर नज़र रखें। दूसरा ऑप्शन है अपने घर के बच्चों को लगातार कुछ दिनों तक पढ़ाएं और अपनी सफलताओं का आकलन करते रहें। तीसरा ऑप्शन है अनुभवी अध्यापकों के साथ शिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें। और चौथा ऑप्शन है हमारा शिक्षक की भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को हल करें। तो 215 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपने घर के बच्चों को लगातार कुछ दिनों तक पढ़ाएं और अपनी सफलताओं का आकलन करते रहें। नेक्स्ट पे चलते हैं कक्षा में अध्यापक द्वारा छात्रों से पूछे गए प्रश्न कैसे होने चाहिए। पहला ऑप्शन है जिनका उत्तर हर छात्र आसानी से दे सके। दूसरा है जिनका उत्तर हर छात्र आसानी से न दे सके। तीसरा ऑप्शन है जिससे यह आंका जा सके कि बच्चे पाठ को ठीक से समझ रहे हैं या नहीं। और चौथा ऑप्शन है जिससे यह पता लगे कि सब बच्चे अध्यापन से प्रभावित हैं या फिर नहीं। तो 216 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिससे यह आंका जा सके कि बच्चे पाठ को ठीक से समझ रहे हैं या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हों तो अध्यापक को चाहिए कि वह पहला ऑप्शन है छात्रों को बताए कि पाठ में रुचि लेने में उनका कल्याण है। दूसरा ऑप्शन है छात्रों से पूछे कि वे पाठ में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है रुचि पैदा करने के लिए नई रणनीतियाँ अपनाएं और सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। और चौथा ऑप्शन है इस बारे में प्रधानाध्यापक से शिकायत करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुचि पैदा करने के लिए नई रणनीतियाँ अपनाएं और सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन है हमारा एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे। पहला ऑप्शन है अपने गांव के स्कूल में। दूसरा है अपने जिले के उस स्कूल में जहाँ धनी व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हैं। तीसरा है जहाँ के प्रधानाध्यापक आपके परिचित हो। और चौथा है किसी भी पाठशाला में जहाँ पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो। तो 218 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसी भी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो। अगला है कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग ऑडियो विजुअल का प्रयोग। पहला ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। दूसरा ऑप्शन है मेधावी छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। तीसरा है बालकों की जिज्ञासा बढ़ाता है। और चौथा है छात्रों का ध्यान मूल विषय से दूर हटाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वन धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। इसका कारण है पहला ऑप्शन है शिक्षक ट्यूशन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों का आचरण पहले जैसा श्रेष्ठ नहीं है। तीसरा है शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करते। और चौथा है उपरोक्त तीनों। तो 220 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा के निम्न में से किस पहलू से है। पहला ऑप्शन है कब और कैसे। दूसरा है किसे और कब तक। तीसरा है किसको और क्यों। और चौथा है उपरोक्त सभी से। तो 221 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन कब और कैसे। अगला क्वेश्चन है आप शिक्षक हैं और आप अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं,
क्या आप अपेक्षा करते हैं कि पहला ऑप्शन है आपको पुरस्कृत किया जाए, दूसरा है आपका नाम अखबारों में छपे, तीसरा है किसी विशेष अवसर पर आपकी प्रशंसा में दो शब्द कह दिए जाएं, और चौथा है आपको अग्रिम वेतन वृद्धि की जाए। तो 222 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी विशेष अवसर पर आपकी प्रशंसा में दो शब्द कह दिए जाए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से पहला ऑप्शन है छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, दूसरा है कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, तीसरा है छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 223 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, कक्षा में पढ़ाई रोचक बनी रहती है और छात्रों को भली प्रकार से समझ में भी आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 224, आप अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत करेंगे, पहला ऑप्शन है कक्षा शिक्षण के दौरान ही बीच बीच में, दूसरा ऑप्शन है कक्षा शिक्षण के बाद अंत में, तीसरा है अगले दिन कक्षा शिक्षण से पहले, और चौथा ऑप्शन है हमारा अगले दिन किसी समय। तो क्वेश्चन नंबर 224 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगले दिन कक्षा शिक्षण से पहले। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटे बच्चों को पाठशाला में एक ही अध्यापक पूरे समय तक पढ़ाता है, क्या आप उसे लाभप्रद मानते हो, पहला ऑप्शन है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, दूसरा ऑप्शन है यह लाभप्रद है, तीसरा है यह प्रथा उबाऊ है, और चौथा ऑप्शन है इसमें अध्यापक और छात्र दोनों को हानि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 225 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह प्रथा उबाऊ है। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में दोपहर के भोजन की व्यवस्था क्यों आवश्यक होती है, पहला ऑप्शन है बच्चे बार बार खाने के आदि होते हैं, दूसरा ऑप्शन है दोपहर के भोजन के लालच में बच्चे स्कूल में गैर हाजिर नहीं होते, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है, और चौथा ऑप्शन है बच्चों की सुस्ती दूर हो जाती है। तो 226 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 227, देर से सीखने वाले बच्चों यानी कि स्लो लर्नर्स की कक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि पहला ऑप्शन है देर से सीखने वाले बच्चे शारीरिक शक्ति वाले कार्यों में अन्य बच्चों से बेहतर होते हैं, दूसरा ऑप्शन है देर से सीखने वाले बच्चे अपनी प्रशंसा पसंद नहीं करते, तीसरा ऑप्शन है देर से सीखने वाले बच्चे मनचले होते हैं, और चौथा ऑप्शन है देर से सीखने वाले बच्चे अन्य बच्चों के समान ही सफलता के इच्छुक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, देर से सीखने वाले बच्चे अन्य बच्चों के समान ही सफलता के इच्छुक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के लिए पाठ योजना तैयार करते समय अध्यापक को मुख्यतः किस बात का ध्यान रखना चाहिए, पहला ऑप्शन है कक्षा के औसत दर्जे के छात्रों को लाभ हो, दूसरा ऑप्शन है प्रकरण के लिए निर्धारित शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो जाए, तीसरा है पाठ्यचर्या के लक्ष्य पूरे हों, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 228 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि कक्षा के औसत दर्जे के छात्र को भी लाभ मिले, प्रकरण के लिए निर्धारित शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो जाए और पाठ्यचर्या के लक्ष्य पूरे हो जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐसा है जिसे छात्र पढ़कर समझने के बजाय हाथ से करके बेहतर सीख सकते हैं, पहला ऑप्शन है किसी मकान में बिजली की घंटी लगाना, दूसरा ऑप्शन है मकान में बिजली का फ्यूज बांधना, तीसरा है बीज बोकर पौधे उगाना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 229 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी को करके छात्र पढ़कर समझने के बजाय हाथ से करके बेहतर सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का कर्तव्य है कि कक्षा में पढ़ाते समय वह पहला ऑप्शन है छोटे बच्चों को आगे की सीट पर बिठाए, दूसरा ऑप्शन है छोटे बच्चों को पीछे की सीट पर बिठाए, तीसरा ऑप्शन है पढ़ाई में कमजोर बच्चों को आगे बिठाए, और चौथा ऑप्शन है हमारा किसी भी छात्र को कहीं भी बिठाए। तो क्वेश्चन नंबर 230 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, छोटे बच्चों को आगे की सीट पर बैठाए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है, पहला ऑप्शन है साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, दूसरा है लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु, तीसरा है शिक्षकों को नौकरी देने हेतु, और चौथा है लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 231 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार आवश्यक है। नेक्स्ट है, एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए, पहला ऑप्शन है भूमिका को, दूसरा है विषय के प्रस्तुतिकरण को। तो क्वेश्चन नंबर
232 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषय के प्रस्तुतीकरण को एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 233, छोटा सा बच्चा गाय पहचानता है, आप उसे गाय की दुम के उपयोग या उसके जुगाली करने की आदत का ज्ञान कराते हैं, पढ़ाने की यह रीति कौन सी है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, दूसरा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीसरा है अनुभव से तर्क की ओर और चौथा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट है, कक्षा सेक्शन में हर्बर्ट ने 5 चरणों का सुझाव दिया है, उद्देश्य कथन चरण, पहला ऑप्शन है प्रस्तावना के पहले आता है, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच आता है, तीसरा है प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बाद आता है और चौथा है सामान्यकरण के बाद आता है। तो 234 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच आता है। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किस शिक्षण पद्धति के बारे में है? यह पद्धति बालक को स्वयं अपने प्रयास से तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की खोज करने, ग्रहण किए गए ज्ञान को व्यवस्थित करने और सामान्य नियम निर्धारित करने का प्रशिक्षण देती है। पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी पद्धति, दूसरा है किंडरगार्टन पद्धति, तीसरा है ह्यूरिस्टिक पद्धति और चौथा है खेल विधि पद्धति। तो 235 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूरिस्टिक पद्धति। अगला क्वेश्चन है, किसके व्यवहार का छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है प्रधानाध्यापक के, दूसरा है राजनेता के, तीसरा है अध्यापक के और चौथा है ट्यूटर के। तो क्वेश्चन नंबर 236 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापक के। क्वेश्चन नंबर 237, किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? पहला ऑप्शन है देखकर, दूसरा है पढ़कर, तीसरा है सुनकर और चौथा है स्वयं करके। तो क्वेश्चन नंबर 237 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वयं करके। अगला है, कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग, दूसरा है शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग, तीसरा है छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 239, शिक्षण में भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? पहला ऑप्शन है शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, दूसरा है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, तीसरा है विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 240, शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है अपने, पहला ऑप्शन है प्रधानाध्यापक से, दूसरा है पुस्तकों से, तीसरा है प्रशंसकों से और चौथा है छात्रों से। तो क्वेश्चन नंबर 240 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने CDP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट के तो जरूर बताइए। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।